जय श्री श्याम। इस वीडियो में हम बात करने वाले जितने भी हमारे आर्मी पर्सन हैं उन सभी का जो आईटीआर की प्रोसेसिंग है वो यहाँ अंडर प्रोसेसिंग पे आके रुकी हुई है, और उसके बाद दूसरा जो प्रोसेसिंग है बहुत बंदों की सक्सेसफुली ई वेरीफाई से आगे नहीं बढ़ रहा है। उसका कारण क्या है, क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्या आपको रिवाइज करना पड़ेगा, वो मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, अब मैं इनका आपको 26 एज दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोग 26 एज देख रहे हैं, इसमें दो इनकम शो हो रही है। यहाँ पे फर्स्ट तो ये फर्स्ट तो यहाँ पे जो है इनकी जो सैलरी इनकम है, उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है, दूसरा कॉलम है, इसमें यहाँ पे दिखा रहा है कि 194 अल्फा सेक्शन के तहत कोई इंटरेस्ट आया हुआ है, तो ये भी आप आईटीआर 1 में शो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को इनका दूसरा, आपको एक 26 का बाद AIS देखते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 26 AIS में सिर्फ हमें दो ही इनकम दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को देख रहे हैं, यहाँ पे जो हमने TIS और AIS इसका देखा, तो यहाँ पे इसका सेल ऑफ सिक्योरिटी एंड यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड का भी अमाउंट इसमें शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को, इसके लिए आप लोगों को अगर यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, उसको आपको ITR 2 में शो करना पड़ेगा और ITR 2 फाइल करना पड़ेगा, उसके बाद ही प्रोसेस आपकी आगे बढ़ेगी। दूसरा आपको एक और दिखा देता हूँ, जिसमें कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे भी, ये देखो इस बंदे ने ITR 1 फाइल कर दिया, लेकिन इसकी देखो बिजनेस रिसिप्ट इनकम है 1,99,630 रुपये। उसके बाद यहाँ पे परचेज ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड है, तो परचेज वाला का तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड है, ये आपको शो करना पड़ेगा अमाउंट ITR 2 में। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा वो आपका इसका ओपन करके पता चल जाएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये 1,207 रुपये हैं, तो यहाँ पे टोटल परचेज किया है वैल्यूएशन, ठीक है। तो ये आप लोगों को म्यूचुअल फंड, इन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये आप लोगों को शो करना पड़ेगा पूरा, ठीक है, अमाउंट। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो ये शॉर्ट टर्म की आपको जो डिटेल है वो सारी शो जरूर करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपका जो ITR अंडर प्रोसेसिंग पे आके रुका रहेगा और उससे आगे आपका ITR जो है बढ़ेगा नहीं, ठीक है। हो सकता है कुछ कंडीशन में ये आपका अंडर प्रोसेस होकर अमाउंट दे दे, लेकिन बाद में नोटिस आ जाएगा कि आप हमें जो आपका शेयर मार्केट का अमाउंट है, जो आप लोगों ने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किया है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किया, उसका हमें पूरा डिटेल में बताएं, तो वो लेटर आ जाएगा। अगर आप भी पूरा डिटेल के साथ ITR 1, ITR 2, 3, 4 कोई भी ITR अगर आप मिनिमम चार्जेस में फाइल करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिटेल में आपका पूरा ITR बिल्कुल सही तरीके से फाइल किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप लोग भी अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए, ताकि आप लोगों के लिए अलग से वीडियो लेके आऊँ मैं किसी सेपरेट टॉपिक के ऊपर। तो तब तक के लिए जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।